धुबरी उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी की हार स्वीकारते हुए आजसू ने हार की समीक्षा करने की बात कही है। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन के वोट शेयर में पिछले चुनाव के मुकाबले काफी इजाफा हुआ है। डुमरी के जनता का आभार जताते हुए देवशरण भगत ने कहा, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर से धन बल का प्रयोग हुआ है। डुमरी उपचुनाव में मिले जनादेश का सबसे पहले हम सम्मान करते हैं और जीत के लिए बधाई देते हैं और चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आजसू भारतीय जनता पार्टी एवं मीडिया के साथियों को, एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयास से हमने विगत चुनाव में जो जनादेश प्राप्त किए थे उससे अधिक मत हमने प्राप्त किया है। विगत चुनाव में हमने एनडीए गठबंधन को 71,000 से ज़्यादा मिला था, इस बार हम 83,164 मत प्राप्त किए। इतने लोगों को विश्वास प्राप्त किए हैं, हमने करीब करीब विश्वास प्राप्त किया है, हम उन लोगों को भी बधाई देते हैं। साथ ही साथ इस परिणाम के लिए हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम जो लक्ष्य था उसको हमने छू नहीं पाया, इसकी हम समीक्षा करेंगे। और हमारा जो मुद्दा था भय, भ्रम और भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे के आधार पर हम चुनावी मैदान में थे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम अगले की तरफ बढ़ रहे हैं, हम निश्चित तौर पर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। डुमरी उपचुनाव में मिले जनादेश का सबसे पहले हम सम्मान करते हैं और जीत के लिए